मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के बड़नगर में तेजा दशमी के पर्व पर एक अनोखा वाक्या देखने को मिला, जब एक किसान ने मन्नत पूरी होने पर अपने बेटे को नोटों से तौल दिया। यह खबर इलाके में तेजी से फैल गई और लोगों की भीड़ मंदिर के आसपास जमा हो गई। किसान चतुर्भुज जाट ने अपने 30 साल के बेटे वीरेंद्र को 10 लाख रुपए के नोटों से तौलने का अनुष्ठान किया। तेजा दशमी के अवसर पर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं। खासकर तेजा जी महाराज के मंदिरों में निशान चढ़ाने की परंपरा है। इस कड़ी में बड़नगर में रहने वाले किसान चतुर्भुज जाट ने अपने बेटे वीरेंद्र जाट को 10-10 के नोटों से तौलने का अनूठा कार्यक्रम आयोजित किया। किसान ने मन्नत के पूरा होने पर यह आयोजन किया, जिसमें उन्होंने लंबे समय से एकत्रित किए गए 10 लाख रुपए के नोटों का इस्तेमाल किया। किसान चतुर्भुज ने बताया कि उन्होंने 4 साल पहले एक मन्नत मांगी थी कि उनके बेटे वीरेंद्र की मनोकामना पूरी हो जाए तो वह अपने बेटे को नोटों से तौलेंगे। मन्नत पूरी होने के बाद तेजा जी महाराज के मंदिर में बेटे को 83 किलो वजन के नोटों से तौलने का कार्यक्रम संपन्न किया। इस आयोजन में एक पलड़े में 10 लाख रुपए की नोटों की गड्डियां रखी गई और दूसरे पलड़े में उनके बेटे वीरेंद्र को बैठाया गया। इस अद्वितीय कार्यक्रम को देखने के लिए बड़नगर के वीर तेजा जी महाराज के मंदिर में भारी भीड़ उमड़ी और लोग इस अनोखी परंपरा को लेकर उत्सुक नजर आए। किसान ने मन्नत पूरी होने के बाद 10,70,000 रुपए की राशि तेजा जी मंदिर के निर्माण और अन्य धार्मिक कार्यों के लिए दान कर दी। उन्होंने बताया कि यह मन्नत उन्होंने 4 साल पहले मांगी थी और अब जब यह पूरी हुई तो उन्होंने इस दान को अपनी मन्नत के अनुसार पूरा किया।